हेलो हेलो मैम। हाय शगुन। हेलो मैम, आज का सेशन तो बेकार हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो उतना लगा रहता है। और वैसे भी उसमें सब सीरियस बैकग्राउंड के, कोई भी प्रोग्रामर या फिर कोई भी रिसर्चर कभी एरर के बिना सक्सेसफुल नहीं होता एक बार में। भारी मुझे तो बहुत प्रैक्टिस कर है तब सकते से। हो। कोई बात नहीं, हो जाता है, तो नेक्स्ट में तुम कवर अप कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। चार्जर लगा दो फोन को, मेरे फोन में बैटरी। हेलो, यस मैम। सो शैल वी गेट स्टार्ट फॉर टुडे? यस सो वी मैम। नीड टू डिस्कस अबाउट द क्लाउड एपीआई एंड द सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक वी विल सी सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट इंक्लूडेड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड डू यू नो अबाउट समथिंग क्लाउड कंप्यूटिंग बिफोर वी गेट स्टार्टेड, सो आई कैन हैव आइडिया अबाउट इट? वेरी लेस नॉलेज मैम, आप बताओ। बहुत कम। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज जस्ट बेसिकली अ जनरल टर्म फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जैसे तुमने AWS क्लाउड सुना होगा या फिर गूगल क्लाउड सुना होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर सुना होगा, IBM क्लाउड सुना होगा। सो ये क्या करते हैं कि ये बहुत लार्ज कंपनीज है, ठीक है, तो यस इनके मैम। पास ना बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उन सर्वर को मर्ज करके एक वर्चुअल स्टोरेज बनाया, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बनाया। अब वो वर्चुअल नेटवर्क से क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसे अपना स्टार्ट करना है ऑनलाइन सर्विसेज मतलब रन करनी, ठीक है, बट उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो खुद का सर्वर खरीद सके, ठीक है, खुद से होस्ट कर सके, क्योंकि सबके लिए प्राइसिंग लगती है ना। और सपोज करो अगर वो शॉपिंग वेबसाइट है, स्पेशली उसने कोई सेल रखी और क्या हुआ कि उसका छोटा सर्वर है, उसी सर्वर की कैपेसिटी जो है वो 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड है, ओके, एंड सडन सेल में क्या हुआ कि रिक्वेस्ट ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि अक्सर सेल्स के टाइम पे इंक्रीज हो ही जाती है क्योंकि टाइम लिमिट होती है। अब वो कैपेसिटी ओवरफुल हो गई तो सर्वर क्या होगा, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ओवररन हो रहा है, बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। सो उस चीज, जैसे वो एक चैलेंज था, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए कि ऐसा क्या करा जाए कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन मिले कि जिसमें स्टोरेज और यू नो प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो स्केलेबल हो जाए, स्केलेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ओके। सपोज करो फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग बिलियन डे सेल करी और उसका एक दिन उसने कहा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में सेल है, ठीक है, उसने क्या करा कि अपनी सर्विसेज रन की और उसके साथ था क्लाउड कंप्यूट, उसने क्लाउड स्टोरेज वो यूज कर रहा है, ठीक है, क्लाउड सर्वर यूज कर रहा है। तो क्या हुआ कि मान लो नॉर्मल उसकी कैपेसिटीज फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर सेकेंड है, 50,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड उसके हैंडल करने की कैपेसिटी है, लेकिन सडन क्या हुआ सेल के टाइम पे वो 1 मिलियन रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है, 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पता है क्या करेगा, वो क्या करेगा कि इसकी रिक्वेस्ट की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप ही स्केलेबल कर देगा। मतलब तुम्हें मतलब उसे कमांड नहीं देना पड़ेगा कि कैपेसिटी इंक्रीज करो या फिर कोई प्री यू नो प्री कॉन्फिग्रेशन नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, और तो वो ना अपनी स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर लेगा। प्लस एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब उसकी रिक्वेस्ट हैंडलिंग भी हो जा रही है, सर्वर भी नहीं हैंग हो रहा, और जब रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा नहीं आएंगी फिर से वापस सेल के बाद वापस से नॉर्मल रिक्वेस्ट आएगी तो वो वापस से ना 50,000 वाली कैपेसिटी पे आ जाएगा जो अपनी बेसिक कैपेसिटी है। इसमें क्या हुआ कि टाइम टू टाइम वो अपने आप को इंक्रीज कर लेता है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग को टाइम टू टाइम इंक्रीज कर लेता है। सबसे बड़ी बात एक और चीज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि इसमें क्या होता है ना कि हम पे एज अ सर्विस करते हैं, ठीक है, पे पर यूज, इट मीन्स कि तुम जितना यूज करोगे सिर्फ उतने का पैसा दो, जितनी देर तुम्हारी लाइव मतलब जो जितनी रिक्वेस्ट आ रही है बस उतने का पैसा दोगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो एक दिन में एक ही रिक्वेस्ट आई तो उसका जो कॉस्ट होगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा अपने क्लाउड वेंडर को, ठीक है। लेकिन अगर तुम अगर इंडिविजुअल ऐसा देखो कि अगर तुम अपनी वेबसाइट को खुद से होस्ट कर रही हो तो
तुम्हें सर्वर का पूरा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, है ना, जितना उसमें लाइटिंग यूज हो रही है, जितना स्टोरेज यूज हो रहा है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ठीक है, सर्वर से कूल डाउन रखने में जितना कॉस्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा झंझट होता है एक सर्वर को मेंटेन करने में, बहुत ज्यादा प्राइसिंग्स होती है। सो क्लाउड एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो कि वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, ये अपने सर्वर यूज करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे समझ लो कि हमारी वर्चुअल बॉक्स हो गया नेटवर्क फॉर्म में, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में क्या होता है, हम लोकल मशीन में एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उसमें मशीन से रन करें और एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे देते हैं और कि वो चलाए, ठीक है। तो ऐसे क्लाउड में होता है कि उसमें ना सभी को जो जो क्लाउड, मतलब क्लाउड तो एक ही होता है लेकिन उसमें ना सभी के कंटेनर बन जाते हैं। तो वो क्या करता है, कोई भी पर्सन ना अपना कंटेनर को एक्सेस करे अपने एपीआई से, मतलब जो भी क्लाउड वेंडर का जो भी एपीआई होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज़्यूर का है कि वो उसने अपना लॉगिन दे दिया, या फिर AWS की जो एक्सेस की होती है वो दे दिया, आप की से अपना क्लाउड एक्सेस करो, अपनी एप्लीकेशन से रन करो, अपना सब कुछ हैंडल आउट करो और फिर उसके बाद फिर आप एग्जिट कर लो, ठीक है। तो तुम्हें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ रही, खुद के फिजिकल रिसोर्सेज की नीड नहीं पड़ रही है, तुम किसी और के फिजिकल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो अपनी रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या होता है ना, कॉस्ट इफिशियंट भी होता है, हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम ना इसमें ये भी करते हैं, जैसे इसमें हम एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर क्या होता है कि हम डेवलपिंग के लिए डॉकर और क्यूबरनेट्स बहुत यूज करते हैं, शायद तुमने दोनों के नाम सुने होंगे, डॉकर और क्यूबरनेट्स। यस मैम। तो डॉकर क्या होता है, वो क्यूबरनेट्स क्या होता है, डॉकर भी जो होता है वो हमारा कंटेनर के टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यूबरनेट जो होता है वो गूगल क्लाउड का हैंडलिंग सर्विस है, कि हम क्या करते हैं कि इसे सपोज करो मुझे पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, मेरा एक एसोसिएट इंडिया में, एक एसोसिएट जो है वो US में है, ठीक है। तो मैंने उसे क्या किया कि मान लो मैंने कुछ कोड ऑफ लाइंस लिखी, फिर उसमें बग आ रहा है, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे अपने वापस से कोड कॉपी पेस्ट करके मेल करूँ या कुछ भी करूँ। तो हो क्या सकता है कि अगर हम दोनों क्लाउड में लॉग इन कर लें तो हम लोग साथ में उसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, साथ में कोलैबोरेट करके डेवलप कर सकते हैं, एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में हम उसे रन कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर डिप्लॉय कर सकते हैं, क्लाउड पे ही डिप्लॉय कर दें उसे एपीआई को, ठीक है। तो उसके यू नो बिल्डिंग से लेके फिर उसके टेस्टिंग फेज से निकाल के फिर उसे डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस हम सब कुछ क्लाउड पे कर सकते हैं, हमें अलग से होस्टिंग सर्विसेज की नीड नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया ना कि एक कम्युनिटी नेटवर्क भी प्रोवाइड कर दिया क्लाउड ने, ठीक है, कि मतलब अब जैसे ये है कि मान लो किसी एक ने 10,000 लाइन्स लिखी कोड की, तो दूसरे बंदे ने वो 10,000 लाइन वो देख पा रहा, तो उसने उसके आगे की लिख ली, फिर उस तीसरे बंदे ने उसके आगे की लिख ली, तो सबको ना एक रियल टाइम एक्सेस मिल रहा है। और तुम इस पे ना क्लाउड पे पूरी पूरी कंपनीज भी रन कर सकती हैं अगर इंटरफेस आपको प्रोवाइड चाहिए, ठीक है। ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है, आप समझ में आया? यस मैम। एक वर्चुअल स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि अदर वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज होस्ट करते हैं बेसिकली। सो अब नीड क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की, सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्केलेबिलिटी जो सबसे फर्स्ट इसका फीचर है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल्स ऑन डिमांड टू सपोर्ट फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स। व्हेन आई से द फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स, इट मींस दैट व्हाटएवर द रिक्वेस्ट डिमांड्स आर अकरिंग एट अ सडन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, इफ दे आर इन्फ्लेटेड एट अ वेरी हाई स्केल and then they get reduced to a very low scale. So like cloud will have a flexibility to increase its capacity and decrease its capacity as per the request, okay? You don't need to pre-configure it, you don't need to post-configure it, or you don't need to do a particular setting. It will adjust it itself, okay? And then you will get the bill according to it, okay? So like you don't need to pay for extra, you know, when there is no request, you don't need to pay up for it, okay? Only when there is a request or there is an access, okay, when you are accessing it, you need to only pay for that. Then we have storage options. So cloud also provides the storage options. User can choose public, private, hybrid storage offerings depending on security needs and other considerations. So अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारे virtual machine में क्या होता है कि हम लोग कुछ hard disk allocate कर देते हैं, तो जब हम क्लाउड वेंडर से अपना क्लाउड अकाउंट बनाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि कोई स्टोरेज भी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्टोरेज ना जैसे अब अमेजोन में क्या होता है, S3 बकेट होती है, ठीक है। तो S3 बकेट में क्या करते हैं कि हम अपना कुछ भी डेटा डाल सकते हैं।
स्टोर ना तुम उसको पब्लिक भी कर सकती हो, ठीक है, तुम उसे प्राइवेट प्राइवेसी भी लगा सकते हो और हाइब्रिड भी कर सकती हो, कुछ कंटेंट जो है वो पब्लिक है, कुछ कंटेंट जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, तो इस तरह से वो डिपेंड करता है, तुम उसे प्राइवेसी फीचर्स भी लगा सकती हो और ऐसा भी कर सकती हो कि तुम्हारी कोई कंपनी है अगर उस पर रन कर रही, तो तुम कंपनी में क्या करो कि मान लो कुछ लेवल जो एक्सेस है वो कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को तुम्हें देना है, तो तुम वो एक्सेस लेवल को भी कंट्रोल कर सकती हो, वो उसे कहते हैं कि IAM मैनेजमेंट, ओके, सो उस एक्सेस लेवल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको कितना मतलब अवेलेबल कराना है, किसको कितना अवेलेबल नहीं कराना है, जस्ट लाइक अ रियल लाइफ सिचुएशन. देन वी हैव कंट्रोल चॉइसेस, सो ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन देयर लेवल ऑफ कंट्रोल विद सर्विस ऑप्शन. जैसे मैंने कहा कि वो अपने लेवल ऑफ कंट्रोल को देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक चीज आती है इसमें कि मान लो तुम्हें खाली सर्वर चाहिए, तुम्हें वेबसाइट नहीं होस्ट करानी, ठीक है, मतलब होस्ट करने के लिए खाली सर्वर चाहिए, तो तुम खाली क्लाउड वेंडर से सर्वर कैपेसिटी खरीद लो, बाकी चीजें मत खरीदो. लेकिन अगर तुम्हें मान लो चाहिए कि तुम्हें API भी चाहिए और तुम्हें सर्वर भी चाहिए, तुम API सर्वर दोनों ले लो, या फिर तुम्हें चाहिए कि मुझे खाली एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है फिर मुझे उससे कोई काम नहीं है, तो तुम खाली क्लाउड वेंडर से कुछ टाइम के लिए उसका एनवायरमेंट लो, अपना एक डॉकर क्रिएट करो, कंटेनर क्रिएट करो, उसमें तुम अपने सारे एनवायरमेंट डेवलप करो, अपने एप्लीकेशन पाइथन का एनवायरमेंट है, रूबी का है, जो भी है, डेवलप करो अपनी एप्लीकेशन, उसको रन करो, सक्सेसफुली करो, फिर उसके बाद अपना आप क्लाउड अकाउंट क्लोज कर सकते हो, ठीक है, जब आपका एनवायरमेंट कंट्रोल हो जाए, तो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट हो जाती है चीजें. देन वी हैव टूल सिलेक्शन, सो यूजर कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ मेन्यू ऑफ प्री बिल्ड टूल्स एंड फीचर्स टू बिल्ड अ सॉल्यूशन दैट फिट्स फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स. तो बहुत सारे क्लाउड वेंडर्स जो होते हैं जैसे वो ना टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे AWS वगैरह है, वो लोग बेसिक वेबसाइट्स का भी टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं कि आप उसमें एडिट करिए फिर होस्ट करने लगिए, ठीक है, तो देखो टाइम बहुत सेव हो रहा है, तुम उसमें थोड़ा सा और अपग्रेड कर लो फिर उसे होस्ट करा लो, या फिर उसमें ना वो लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के भी प्री बिल्ड टेम्पलेट्स देते हैं, ठीक है, तुम उसमें और वो कर लो, तो कॉस्ट और टाइमिंग बहुत ज्यादा कट हो जाती है, तुम पहले से प्री टेम्पलेट्स चूज कर लो फिर उनको अपने हिसाब से रन आउट कर लो. टूल्स बहुत सारे होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, पेन टेस्टिंग के ऑडिटिंग टूल्स भी ऑलरेडी क्लाउड में होते हैं, क्योंकि क्लाउड भी क्या है, नेटवर्क का फॉर्म है, उसमें भी रिस्क है, जहां भी नेटवर्क है वहां पे लूप होल्स होंगे, वहां पे रिस्क है, ठीक है, तो उनको ऑडिटिंग करने के लिए, VAPT के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए भी क्लाउड वेंडर्स जो है वो टूल्स देते हैं, और हर एक क्लाउड वेंडर के एक ऑडिटर भी होते हैं जो कि ये सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स और जितने भी नेटवर्क मैकेनिज्म एक्सेस कंट्रोल है उनको ऑडिट करते हैं टाइम टू टाइम. देन वी हैव सिक्योरिटी फीचर्स, सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इंक्रिप्शन API कीज टू हेल्प द डेटा सिक्योर. तो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा मतलब ये रहती है कि अच्छी रहती है, क्योंकि क्लाउड वेंडर्स जो होते हैं वो प्रॉपर ध्यान देते हैं कि अगर मान लो तुमने अपने पर्टिकुलर क्लाउड में किसी तरह की सिक्योरिटी लगाना तुम भूल गए या फिर कोई वेबसाइट होस्ट करे, तो वो ऑटोमेटिक ना जो नेसेसरी बेसिक होती हैं वो तुम्हें खुद से लगा देगा, HTTPS तुम्हें खुद से दे देगा, और बाकी जैसे SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह भी तुम्हें तुमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा बट वो प्रोवाइड करेगा कि खुद से आप हमारे से लेके कर लो, ठीक है, तो वो तुम्हें ना सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करता है, तुम्हारी API की इंक्रिप्शन बहुत अच्छा देता है, तुम्हारे फाइल इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, अगर तुम फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है जैसे VPNs में होता है, तो ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर्स भी देते हैं. देन वी हैव इज एफिशिएंसी, सो एक्सेसिबिलिटी इज लाइक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेटा आर एक्सेसिबल फ्रॉम वर्चुअली एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस. सबसे अच्छी चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर तुमने कोई मतलब एप्लीकेशन तुम रन कर रहे हो तो तुम खाली उसको PC से ही एक्सेस कर सकते हो, तुम उसको लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, तुम्हें बस क्या करना है अपने क्लाउड वेंडर के पोर्टल पे लॉग इन करना है. जैसे तुम इंस्टाग्राम रन करती हो, खाली लॉग इन करती हो, सारे डिवाइसेस भी यूज कर लेती हो, तो वैसे क्लाउड भी तुम सारे डिवाइसेस भी यूज कर सकते हो, कोई डिवाइस लिमिट नहीं है. स्पीड टू मार्केट, डेवलपिंग इन द क्लाउड इनेबल्स यूजर टू गेट देयर एप्लीकेशन टू मार्केट क्विकली. एज आई सेड, इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्री प्री बिल्ड टूल्स एंड प्री टेम्पलेट्स एंड ऑल्सो लाइक दे प्रोवाइड यू द फास्ट टेस्टिंग फेजेस एंड द एनवायरमेंट्स, सो दे कैन सपोर्ट द स्पीड ऑफ योर डेवलपमेंट फेज, सो तुम उसको जल्दी से डिप्लॉय भी कर सकते हो, तुम्हें अननेसेसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन वी हैव डेटा सिक्योरिटी, हार्डवेयर फेलियर्स डू नॉट रिजल्ट इन डेटा लॉस बिकॉज ऑफ नेटवर्क बैकअप्स. अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज क्या है कि जैसे अब अमेजोन के अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो अमेजोन का अभी जो क्लाउड का इंडिया का जैसे जोन है तो मुंबई में उसका सर्वर है, ठीक है, उसके बाद उसका सर्वर जो है ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब हर कॉन्टिनेंट पे उसका दो तीन सर्वर है. तो होता क्या है कि अब जैसे मान लो कि मैंने चूज किया कि मैं
अमेजोन का मतलब जो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग ले रखी है, ठीक है, अमेजोन का मैंने लिया है क्लाउड, तो मैंने कहा कि मुझे अभी जो मैं रन कर रही हूँ मैं मुंबई वाले सर्वर पे रन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी रीजन होता है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन तुम्हारे क्लोज होती है वहां से एक्सेस फास्ट होता है थोड़ा, ठीक है। तो माना कि मैंने अपना जो बेसिक प्रोवाइडर सेलेक्ट किया वो मुंबई वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन अब हुआ क्योंकि मान लो किसी वजह से मुंबई वाले सर्वर पे कुछ दिक्कत होगी, तो क्लाउड क्या करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक जो है वेंडर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ना मल्टीपल अलग सर्वर्स में बैकअप बना के रखते हैं, तो तुम्हारे एप्लीकेशन या फिर तुम्हारे डेवलपिंग इमेजेस वगैरह या फिर जो तुम्हारे डॉकर की इमेज होती है, मैंने इसे डॉकर इमेज इट इज सिमिलर टू अ आईएसओ इमेज, ठीक है, तुम्हारे सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डेटा सब ना बैकअप रहेंगी और वो ना दूसरे सर्वर से तुम बाद में रिट्रीव कर सकते हो। तो वो भी ना ये बैकअप सिक्योरिटी जो है वो 99.9% तक की गारंटी देता है अमेजोन कि हम आपको आपका बैकअप मिल जाएगा, ठीक है, इतनी ज्यादा गारंटी देता है वो 99.999%, आई थिंक 4x9 होते हैं, सो वो इतनी सिक्योरिटी देता है और बैकअप तुम्हें हमेशा मिलेगा। तो तुम्हारे पास एक ये भी है कि तुम्हें अपने बैकअप की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देन वी हैव इज दैट सेविंग्स ऑन इक्विपमेंट, सो क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस रिमोट रिसोर्सेज सेविंग ऑन द कॉस्ट ऑफ सर्वर एंड अदर इक्विपमेंट। एज आई सेड तुम्हें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद के अगर तुम्हारे पास खाली तुम्हें एक एक्सेस डिवाइस चाहिए, कोई भी डिवाइस जिससे तुम एक्सेस कर सको अपना क्लाउड वेंडर, बाकी तुम चाहे एप्लीकेशन रन करके होस्ट करो, चाहे तुम कोई कंपनी भी पूरी तुम क्लाउड पे रन कर सकती हो, सबको एक्सेस लेवल दे सकती हो मैनेजमेंट, सो तुम्हें फिजिकल रिसोर्स की नीड ही नहीं है। देन वी हैव पे स्ट्रक्चर, सो अ यूटिलिटी पे स्ट्रक्चर मीन्स यूजर्स ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज दे यूज, सो एज आई सेड पे पर यूज, तो तुम जितना रिसोर्स यूज कर रही हो, मान लो तुम्हारे पास 4 रिक्वेस्ट आई थी उस सेकेंड पे और इतना सीपीयू यूज हुआ था, इतना जीपीयू यूज हुआ था, तो बस तुम उसी का कॉस्ट पे करोगी। अदर टाइम जब तुम्हारा सर्वर वर्क में नहीं है तुम उसका पे नहीं करोगे, ठीक है, तुम कभी भी चाहे तो अपने सर्वर को ऑफ कर सकती हो, कभी भी ऑन कर सकती हो, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इससे तो कॉस्ट एफिशिएंट क्या होगा, नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्वर्स में क्या होता है, सर्वर रन करते रहते हैं लेकिन तुम्हें तो पे प्रॉपर करना पड़ता है ना, अगर तुमने साल भर का लाइसेंस लिया सर्वर का तो तुम्हें साल भर का पे करना पड़ेगा, भले तुम्हारा सर्वर यूज नहीं हो रहा, भले तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो ये सारे फायदे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। Then we have this, what are the types of cloud computing? So cloud computing के types के जैसे first जो होता है IaaS, so it's a infrastructure as a service. Yes, ma'am. So ये जो service होती है it enables subscribers to use on-demand fundamental IT resources, okay, such as computation power, virtualization, data storage or network, okay, whatever the physical resources you required, okay. So this service provides virtual machines and other abstract hardware and operating system and which may be controlled through a service application programming interface that we call the API. So cloud vendor जब तुम register करोगी तो वो तुम्हें एक API दे देगा, मतलब application interface दे देगा, तुम उसमें से अपना सारा कुछ handle कर सकती हो, ठीक है, कि तुम्हें कितना storage चाहिए, कितना RAM चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, लिनक्स यूज करना है, ओएस यूज, मैक ओएस यूज करना है, सो मैक का शायद राइट्स अभी नहीं है क्लाउड्स के पास, लिनक्स और विंडोज का रहता है। और एज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अंडरलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सब्सक्राइबर कैन अवॉइड कॉस्ट ऑफ लाइक ह्यूमन कैपिटल, हार्डवेयर एंड अदर। अब जैसे क्या है कि मान लो तुम ट्रेडिशनल में तुमने कोई सर्वर डिप्लॉय किया तो तुम्हें उसे मेंटेन भी करना है, ठीक है, तुम्हें ऐसे रूम चाहिए क्योंकि सर्वर बहुत हीट अप होते हैं, तो हमें उन्हें या तो पानी में प्रॉपर कूल वाटर कूलिंग में रखो या फिर एसीज में रखो, है ना, ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल है, वरना वो ओवरहीट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे चिप्स जो है। तो ये सारी जो मतलब अब तुमने मान लो जैसे तैसे सर्वर खरीद भी लिया बट उन्हें मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, तो उससे तुम्हें वरी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मतलब वो क्योंकि वो क्लाउड वेंडर जो है वो अपना मैनेज करेगा, तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। So then we have is a platform as a service that is the PaaS. So PaaS जो होता है वो एक ऐसी cloud computing service है जो कि development और application की development और services provide करता है। So subscriber need not to buy and manage the software and infrastructure underneath it, but they have the authority to over deployed application and perhaps application hosting environments. तुम्हें अलग से होस्टिंग सर्विसेज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, उसी क्लाउड में जो तुम्हारा मतलब तुम्हें कॉस्ट लिया है साल भर का कॉस्ट, अगर ये तुमने प्लान लिया है या फिर 3 महीने का प्लान लिया अपने क्लाउड सर्विसेज का, उसमें आप उसको डेवलप कर सकते हो, फिर उसी पे आप रन कर सकते हो तुम्हें होस्टिंग सर्विसेज के लिए, तुम्हें अलग से लाइसेंस वगैरह लेने की नीड नहीं है, ठीक है।
और उन एनवायरमेंट्स में तुम्हें सारे टूल्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, अगर तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा डिमांड है, कोई एक्स्ट्रा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की डिमांड है तुम्हें, तो तुम वो क्लाउड वेंडर्स अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो लोग तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं. सो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिलता है. देन वी हैव इस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड द सब्सक्राइबर ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट. लाइक द प्रोवाइडर चार्जेस फॉर द सर्विस ऑन पे पर यूज बेसिस बाय सब्सक्रिप्शन और बाय एडवर्टाइजिंग और शेयरिंग अमंग मल्टीपल यूजर्स. सो जैसे तुम्हें वेब बेस्ड ऑफिस बनाना है या फिर अब सपोज कर वेब बेस्ड ऑफिस जो मैं कहती हूँ, गूगल कैलेंडर ले लो, सबसे ईजी मेथड जो होगा, ठीक है. गूगल कैलेंडर है तो वो क्या है कि उसमें हम अब क्या करते हैं कि सपोज मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैंने तुम्हारा आज मीटिंग फिक्स कर दी कि 10 बजे मुझे 2:30 बजे मीटिंग करनी है और कल को मीटिंग, मैंने तुम्हारा पूरा कैलेंडर एक्सेस करके फिक्स कर दिया, ठीक है. तो मैं ये क्या कर रही हूँ, नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑफिस में या तो मैं तुम्हें मेमोरी जनरेट करती, ठीक है, या फिर तुम्हें बताती कि तुम्हारी मीटिंग है तो ईमेल देती हूँ. बट ऐसे क्या हो रहा है कि वो सेम कैलेंडर मैं भी एक्सेस कर ले रही हूँ, तुम भी एक्सेस कर ले रही हो, और मैं सिर्फ तुम्हारे कैलेंडर में चीज़ें ऐड कर दे रही हूँ कि ये होना है और ऐसे ऐसे होना है, ठीक है. तो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड होती है, ठीक है. ऐसे सेल्स फोर्स जो होता है ये बिग डेटा में यूज होता है, ठीक है. तो सेल फोर्स भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम एनालाइज करते डेटा को, तो उन तरह के सॉफ्टवेयर भी ये प्रोवाइड कर देता है. देन वी हैव इज IDaaS, दैट इज फॉर आइडेंटिटी एज अ सर्विस. सो ये जो होता है ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, ठीक है. तो अब जैसे क्या है कि तुम्हारे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, कंपनी में, तो सबको एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, सबका एक्सेस लेवल जो प्रोवाइड करना, वो हम इसमें कंट्रोल करते हैं, ठीक है, IDaaS सर्विस में, ठीक है. तो एक मतलब के जैसे एक को तुम असाइन कर सकती हो कि ये रूट यूजर है, इसके पास सारा एक्सेस है, ठीक है. फिर उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयज तुम उसमें डाल सकती हो कि इनके पास ये एक्सेस कर सकते हैं. तो इसमें तुम अपना लॉग इन जो है या फिर तुम्हें लाइक एक्सेस कीज जो है वो सब कंट्रोल कर सकते हो, ये आइडेंटिटी एज अ सर्विस में होता है. देन वी हैव सिक्योरिटी एज अ सर्विस, दैट इज SE, और देन वी हैव CAS, ओके, सिक्योरिटी एज अ सर्विस. सो सिक्योरिटी एज अ सर्विस में हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में कंप्यूटिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तुम्हें कोई डिजिटल हार्डवेयर या इक्विपमेंट की नीड नहीं, जैसे तुम्हें IDS डिप्लॉय करने की नीड नहीं, तुम्हें फायरवॉल डिप्लॉय करने की नीड नहीं, क्योंकि क्लाउड वेंडर वो सारी चीजें खुद वर्चुअली प्रोवाइड करेगा तुम्हें, ठीक है. इवन तुम्हारे एप्लीकेशन प्रोटेक्शन के लिए VPN वगैरह भी प्रोवाइड करता है. सो ये ना कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर देते हैं, एंड ये पेन टेस्टिंग के जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, कि अपने सर्विसेज को रन करो फिर पेन टेस्ट कर सको उस पर, ठीक है. एंटी मालवेयर, सिक्योरिटी इंसिडेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, और इंट्रूजन डिटेक्शन, ये सारी भी सर्विसेज देता है, जो कि हमारी यू नो रियल लाइफ चैलेंज होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कि अपने जो होल कंपनी का स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट कर सके इन सारे चैलेंजेस से. तो हम क्या करेंगे अगर कोई कंपनी बनाएंगे, उसे फायरवॉल लगाएंगे, है ना, IDS लगाएंगे, हनीपॉट लगाएंगे, सर्विसेज के लिए हमें टाइम टू टाइम पेन टेस्टिंग करनी होगी, उसके लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए ना पेन टेस्टिंग करने के लिए. क्योंकि पेन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी ढूंढने के बाद उसका एक्सप्लॉइट करेंगे, BAPT करके एक्सप्लॉइट करके फिर कंपनी को बताएंगे. अब बहुत सारी कंपनियां रियल लाइफ में इतना उनके पास बजट नहीं होता या फिर इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो तुम्हें अलाउ कर सके कि एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना. तो वो खाली ये कहते कि हमें लूप होल्स बता दो तुम. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, क्योंकि हमेशा हम ये प्रेफर करेंगे कि हम पेन टेस्टिंग कर रहे तो लूप होल को एक्सप्लॉइट करके प्रॉपर डीप में जाएं कि कितना अटैक का यू नो इम्पैक्ट हो रहा है किसी कंपनी पे, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है. तो वो सारे जो एनवायरमेंट है, एक सिक्योर एनवायरमेंट है पेन टेस्टिंग के लिए, वो तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगा. देन वी हैव इज दैट कंटेनर एज अ सर्विस. सो कंटेनर क्या होते हैं, ये तुम्हारे जैसे क्लस्टर होते हैं. अब जैसे नेट तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा इंटरनेट है, इंटरनेट में तुम्हारे तुमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा है? यस मैम. सो लिंक लिस्ट में हमारे नोड्स होते हैं ना, छोटे छोटे. यस मैम. तो जो नोड्स होते हैं ना, अगर तुम उन्हें सोचो कि वो ऐसे ना नोड्स जो है वो कंटेनर है, ठीक है, और हर एक कंटेनर के पास अपने अगले कंटेनर का एड्रेस होता है और अपने पिछले कंटेनर का एड्रेस होता है ना, जैसे लिंक लिस्ट में होता है. तो कंटेनर ना ऐसे बिहेव करते हो. कंटेनर क्या होता है, कंटेनर को तुम ऐसे समझ लो तुम्हारा वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है. उसके अंदर मैंने अपना ऑर्डरिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है, अपनी मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रही हूँ. कंटेनर जो होता है वो मेरा इंडिविजुअल एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है जो कि क्लाउड में डिप्लॉयड होता है, ठीक है. तो वो ना हर एक कंटेनर, जैसे मैंने मल्टीपल कंटेनर अगर डाल रखे हैं
तो वो हर एक कंटेनर के पास उसके एड्रेस होंगे, एक्सेस करने का तरीका होगा। तो कंटेनर जो होते हैं वो लाइक हमारे, तुम एक कह सकते हो एनवायरनमेंट क्रिएशन के वे होते हैं। उसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशन रन करती हैं, सारे वेब पोर्टल रन करते हैं, हम सारे मैनेजमेंट करते हैं, सारे इंजन्स रन करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें कंटेनर होते हैं। कंटेनर का एग्जाम्पल जैसे अमेजोन जो वो EC2 प्रोवाइड करता है, उसके यहाँ कंटेनर का नाम EC2 है। गूगल के कंटेनर का नाम क्यूबरनेट्स है। सो उसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है इन सब में। देन वी हैव इज दैट फास्ट। सो फास्ट इज अ लाइक फंक्शन एज अ सर्विस। सो द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेसेसरी थिंग्स। ओके, जैसे मैंने बताया कि लाइक तुम अगर कोई IoT सर्विस डेवलप कर रही हो तो उसमें डेटा प्रोसेसिंग के बहुत सारे डेटा जनरेट होगा, ठीक है। तो वो ना लाइक तुम उसमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, प्री कॉन्फ़िगरेशन कर सकती हो कि अननेसेसरी डेटा जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, तुम्हारे सिर्फ रिक्वायर्ड डेटाज रहे। तो ये ना काफ़ी कुछ तुम्हारा जो कॉस्ट है बेसिकली वो बहुत रिड्यूस कर देता है। सो इस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि इनके कॉम्बिनेशन लेती हैं, ठीक है, कि उसने IaaS ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर्वर के लिए, पास ले लिया प्लेटफॉर्म के लिए कि उसे मानो कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है, सिक्योरिटी ले लिया, इन तीनों कॉम्बिनेशन बना के अपनी कंपनी रन कर रहा है। इंसान चाहे इंडिविजुअल भी चीजें ले सकता है या फिर इनके कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है। ओके मैम। सो देन वी हैव इज दैट वॉट इज कंटेनर। सो जैसे मैंने बताया कंटेनर क्या, तो कंटेनर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर तुम्हारा कंटेनर सेफ है तो लाइक तुम्हारी हर सदा समस्याएं खत्म है। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम में तुम हैकेबल इजिली नहीं होते, कंटेनर बहुत सिक्योर होते हैं। सो कंटेनर्स आर पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन कंटेन ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स टू रन इन एनी एनवायरनमेंट। अब देखो ऐसे सोचो कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अब उसने क्या किया कि मतलब मैंने जो API में लिया कि मुझे बेसिक इतना रैम चाहिए, फिर मैंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखा। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने एक डॉकर डिप्लॉय किया। तो डॉकर क्या होता है, ये सारी चीजें ना एक कंटेनर में ला के कहते हैं। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो तुम्हारा कंटेनर के अंदर रहेगा, तुम्हारा रैम एलोकेशन भी कंटेनर के अंदर रहेगा। सो कंटेनर जस्ट लाइक अ वर्चुअल बॉक्स और VMware। तुम सारी चीजें अपनी जितनी कॉन्फ़िगरेशन हैं, अपनी जितनी फाइल्स वगैरह वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व करके रखोगे। सो कंटेनर ऐसे ही होता है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तुम्हारा बेसिक रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, देन यू हैव द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू लाइक टू रन। ओके, देन यू हैव अ डॉकर। सो डॉकर क्या करता है, अच्छा आप ऐसा सोचो कि हमारा ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल यूजर बनाते हैं ना, user 1, 2, 3, और फिर उनको एक्सेस लेवल डिफरेंट करते हैं, और फिर उनको फाइल का एक्सेस लेवल डिफरेंट करते हैं ना, जैसे लिनक्स में भी होता है user 1, 2, 3 बनाते हैं वो। तो अब उसमें क्या होता है, हर एक यूजर को ऐसा फील होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं का है ना, मतलब बेसिक फंक्शनलिटीज उसे मिलती हैं। बट ये थोड़ा सा डिफर करता है कंटेनर में इस तरीके से कि इंस्टेंट ऑफ मल्टीपल यूजर वी हैव ओनली वन यूजर। ओके, और हर एक यूजर को ना हम IDS यूज करके एक्सेस लेवल प्रोवाइड कर देते हैं। तो हर एक यूजर, मानो 10 यूजर अगर एक टाइम पे इस कंटेनर को एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक ही डॉकर यूज करेंगे, इट मीन्स एक ही मोड ऑफ एक्सेसिंग यूज करेंगे, और जो उनको नीड होगा कि उन्हें एप्लीकेशन बी का फाइल स्ट्रक्चर चाहिए तो वो उसे एक्सेस कर लेंगे एप्लीकेशन सी। तो मल्टीपल यूजर नहीं बनाने पड़ते, और ये चीज ना मेमोरी सेव करती है। अगर हम यूजर बनाने पड़ेंगे तो सबको एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देना पड़ेगा, सबको अलग से बेसिक सारी फाइल एलोकेट करनी पड़ेगी, है ना, रूट यूजर की और फिर बाकी सारी फाइलें। तो ये ना बहुत ज्यादा एलिमिनेशन कर देता है, एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि अपने एक्सेस लेवल के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। इन दिस वे कंटेनर्स वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन एनीवेयर फ्रॉम अ प्राइवेट डेटा सेंटर टू अ पब्लिक क्लाउड और इवन ऑन अ डेवलपर्स पर्सनल लैपटॉप। सो पूरा का पूरा मतलब तुम रन कर सकते हो कंटेनर में पूरा। और तुम्हारी जो बैकअप इमेज जो मैं कहती हूँ कि बनती है, तो बैकअप जो बनता है वो कंटेनर का ही बैकअप बनता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि तुम अपना काइनेक्स डिलीट कर दो लेकिन उसका स्नैपशॉट ले लेना। तो स्नैपशॉट क्या हुआ, मैंने एक बैकअप इमेज ही तो बनाई कि इन केस तुम्हारी ये वाली खराब हो जाती है या फिर ये वाली डिलीट हो जाती है, तो स्नैपशॉट फाइल को तुम इम्पोर्ट कर लोगी तो तुम्हारा वो वापस से वही वाला एनवायरमेंट प्रॉपर रहेगा। तो ये सिमिलर है हमारे वर्चुअल क्लाउड की, वर्चुअल कंप्यूटिंग की तरह। सब कंटेनर का लाइफ साइकिल कैसा होता है, सो फर्स्ट लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो 3 फेज में डिवाइड होता है, इमेज क्रिएशन, टेस्टिंग, एक्रेडिटेशन में, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इमेज एंड डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर। सो यहाँ पे तुम्हें इमेज समझ में आया, इमेज का मतलब क्या हुआ,
यस मैम, समझ गई मैं. इमेज समझ गई ना, यस इमेज क्या मैम. होता है हाँ बताओ एक बार। हाँ मतलब अगर मैंने उसकी इमेज अपने पास रखी है तो मतलब अगर इन केस मेरी काली अनइंस्टॉल हो गई तो मैं जब उसे इंस्टॉल करूंगी तो मैं इमेज के थ्रू अपनी मशीन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकती हूँ विदाउट इमेज हाँ, जो भी तुमने जैसे अपने सिस्टम को सेट किया है उसको, यस जैसे तुम्हारी मैम. आईएसओ होगी, जैसे तुम ओवा फाइल यूज करती हो, ओवा यस इमेज ही मैम. होगी, है ना, हाँ रिकॉन्फिगर्ड एज पर यू लाइक। सो यस वही मैम. चीज इमेज होती है। सो फर्स्ट फेज हमारा क्या होता है, द फर्स्ट फेज ऑफ द कंटेनर टेक्नोलॉजी इज द इमेज जनरेशन। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो इमेज जनरेट करना होता है, जो भी डेवलपर होता है, क्लाउड डेवलपर होता है वो, या फिर क्योंकि मैं मान लो कस्टमर हूँ, ठीक है, तो मैं क्लाउड वेंडर के पास जाऊंगी, मैं उससे कहूंगी मुझे ऐसे ऐसे एनवायरमेंट चाहिए, तो वो लोग फिर मुझे एक मतलब यू नो हैंडलर प्रोवाइड करेंगे जो कि मेरे लिए डेवलप करेगा, ठीक है, तो वो मेरे लिए फिर डॉकर डेवलप करेगा या फिर कंटेनर डेवलप करेगा। सो इन यस दिस फेज द मैम. एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डेवलप्ड एंड स्टोर इन टू एन इमेज। नाउ द इमेज कंसिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड फाइल्स एंड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर कंटेनर, ठीक है। द इमेज क्रिएशन इज हैंडल्ड बाय द डेवलपर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। अगर मुझे बाद में कुछ कम ज्यादा करना हुए, कुछ न्यू एनवायरमेंट्स लाने हुए, तो मैं डेवलपर से बोलूंगी, वो मेरे लिए डेवलप करेगा। वंस द इमेज इज क्रिएटेड, द सिक्योरिटी टीम्स कैरी आउट द इमेज टेस्टिंग एंड एक्रेडिटेशन। सो एक बार जब हो जाता है तो हम उसको सारे ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी टीम उसकी ऑडिटिंग करती है कि क्या क्या मतलब सिक्योर है, ये क्या, सारी सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फेज ये होता है कंप्लीट करने का, डेवलप करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना। सेकेंड फेज में क्या होता है कि इमेजेस आर यूजली प्लेस्ड इन अ सेंट्रल लोकेशन नोन एज रजिस्ट्रीज। सो ये जो रजिस्ट्री होती है ये क्लाउड वेंडर के पास सेव होती है, ठीक है। सो रजिस्ट्रीज प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू डेवलपर सच एज स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग इमेजेस, टैगिंग और कैटलॉगिंग इमेजेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल और इजी डिस्कवरी टू द यूज, ठीक है। देन वी हैव रजिस्ट्रीज कैन बी प्रोवाइडेड एज अ सर्विस फॉर और सेल्फ होस्टेड, ठीक है। सो पॉपुलर रजिस्ट्री क्या होती है, डॉकर हब होता है और तुम्हारा अमेजोन का इलास्टिक ईसीआर होता है। ऐसे समझो कि मेरा लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर है और उसमें अलग अलग फोल्डर है, बिन है, एटसेट्रा, वो सारी है। तो ये सारी रजिस्ट्री हो गई, उन रजिस्ट्री के अंदर मैंने कहीं अपनी इमेज सेव कर रखी। तो डेवलपर जो होता है, मान लो अगर मैंने मल्टीपल इमेज बनाई अपनी कंपनी के लिए, तो डेवलपर ही उन्हें एक्सेस कर सकता है और वो देख सकता है, ठीक है, डेवलप कर सकता है। सो ये होता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इमेज, मतलब वो रजिस्ट्री से ना क्लाउड में से रजिस्ट्री पे जाएगा, रजिस्ट्री से अब वो पर्टिकुलर इमेज लाएगा, तुम्हें देगा, और तुम्हें कुछ और नीड है तो वो फिर वो करेगा, वो मैनेज करता सारा। देन वी हैव कंटेनर डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट। सो ऑर्केस्ट्रा एक टूल होता है जो कि मतलब यूज होता है हर एक प्लेटफॉर्म में, वेंडर्स ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रास एक वर्ड होता है जो कि यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट रिलेटेड, ठीक है। सो इट डेवलप्स यू नो इट अलाउज टू डेवलप एंड ऑपरेट एडमिनिस्ट्रेटर टू फेच इमेजेस फ्रॉम द रजिस्ट्री, डिप्लॉय देम इन टू द कंटेनर एंड मैनेज द कंटेनर ऑपरेशन। तो हम इमेज बनाने के बाद उसको कंटेनर में डाल देते हैं, वो कंटेनर एक सिक्योर इन्वायरमेंट हो जाता है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, फिर हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं। सो दिस इज द फाइनल फेज ऑफ अ कंटेनर लाइफ साइकिल वेयर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड एंड कम इन टू लाइव यूजर्स, ओके। सो वेन एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंटेनर नीड्स टू बी अपडेटेड, द एग्जिस्टिंग कंटेनर आर डिस्ट्रॉयड एंड न्यू कंटेनर्स आर क्रिएटेड फॉर द अपडेटेड इमेजेस। तो ये भी होता है कि जैसे मान लो तुमने जो पिछला वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसमें तुम्हें कुछ आउटडेटेड हो गया, अब तुम्हें कुछ नया क्रिएट करना है, तो तुम अब उसमें वो यूज कर सकते हो, मतलब पिछली वाली इमेज डिलीट कर दो और नई वो इमेज बना लो अपने हिसाब से, ठीक है, उनका मैम. फाइल वही फाइल से इम्पोर्ट कर लो। सो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है कंटेनर का। अब समझ में, क्लाउड होता है, क्लाउड के अंदर छोटे छोटे कंटेनर होते हैं और सब किसी के पास कीज होती है, AWS एक्सेस की होती है। अगर तुमने याद हो तो हमने शोडान में और डॉकिंग वाले में देखा था कि AWS कीज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो मैंने एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यस सिस्टम मैम. होता है कि वो की से हम एक्सेस कर सकते हैं कंटेनर को, और फिर एक बार कंटेनर मिल गया तो तुम्हें परसिस्टम ही मिल गया ना, तुम उसकी फाइल्स देख लो, जो भी सीक्रेट वगैरह तुम देख सकते हो। सो मूविंग ऑन, वी हैव कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन्स। सो वर्चुअलाइजेशन अगर हम बोले तो वो क्या है, इट्स द एबिलिटी टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, ठीक है, एंड शेयर द अंडरलाइंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज डिवाइस एंड नेटवर्क। सो ये तो हमारा नॉर्मल वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है, जैसे हमने मल्टीपल गेस्ट ओएस बनाते हैं, उन सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरमेंट होता है,
होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर पूरा प्रॉपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट कंटेनर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन फिजिकल सर्वर. ये क्या होता है कि ये खाली एक फिजिकल सर्वर पे प्लेस्ड होता है, एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड शेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लाइब्रेरीज. ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग डायरेक्टरीज बना देता है जिनसे जो भी इंसान है वो अपना एक्सेस कर सकता है एज पर देयर नीड्स. ओके, सो ये क्या है कि जो कॉस्ट होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल आउट करने का, जो रिसोर्सेज चाहिए, तुम खुद सोचो कि अगर मैं एक लिनक्स मशीन रन कर रही हूँ और वो मेरी एक वर्चुअल फिजिकल मशीन पे 3 लिनक्स में रन कर रही, तो कितना प्रेशर पड़ेगा मेरे सिस्टम में, क्योंकि सबके अलग अलग एनवायरमेंट है. बट अगर एक ही सिस्टम को मैं ऐसे कर दूँ कि यही लिनक्स मशीन सारे यूजर एक्सेस कर सके अपनी नीड के हिसाब से, तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे ना, खाली यूजिंग के रिसोर्सेज रहेंगे एक्सेसिंग के, जो कि तुम्हारा रैम हैंडल करेगा, है ना, मेमोरी एक्सेस. तो बस कॉस्ट हमारी जो रिड्यूस रहेगी. तो ये बेसिक डिफरेंस है कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन में. इसीलिए जो कंटेनर होते हैं वो फास्ट होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं. सो लाइक वर्चुअल मशीन्स आर हैवी वेट एंड कंटेनर्स आर लाइट वेट एंड पोर्टेबल, एंड वर्चुअल मशीन रन ऑन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. सबके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सिंगल होस्ट शेयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्चुअलाइजेशन मीन्स हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन. कंटेनर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होता है. इसमें स्लो होता है ये कंटेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कंटेनर जो होता है वो स्केलेबल होते हैं. जैसे मैंने बताया अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह डिक्रीज कर सकते हैं. ओके, रियल टाइम प्रोविजनिंग, रियल टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं. इनकी लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है, इनकी नेटिव परफॉर्मेंस होती है. नेटिव इट मीन्स लिमिटेड नहीं होती है. अगर सडन रिक्वेस्ट आई है तो क्लाउड वेंडर के पास, क्योंकि हमें तो सर्वर से मतलब नहीं है ना, क्लाउड वेंडर के पास सर्वर है, उनके सर्वर रिसोर्सेज यूज होंगे, तो लिमिटेशन नहीं होती है. देन वी हैव कम्प्लीटली आइसोलेटेड, मेकिंग इट मोर सिक्योर. अच्छा, ये सिक्योर तो ज्यादा लेवल पे होता है क्योंकि तुम्हारे एक ही उस पर रन कर रहा होता है. बट ये क्या होता है, आइसोलेशन, व्हेन आई से आइसोलेशन इट मींस कि हर एक यूजर को अपना एनवायरनमेंट मिलता है. बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस लेवल आइसोलेशन करते हैं ना, क्योंकि हर एक यूजर सेम एनवायरनमेंट में एक डिफरेंट डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा होता है, प्रोसेस को खाली आइसोलेट होता है. मतलब कि अगर मैं जैसे पाइथन की कोई प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो जो साथ वाला यूजर है, मैं चाहूँ तो वो मेरी डायरेक्टरी नहीं एक्सेस कर सकता. मैं अपनी आईडी में अपना डेवलप कर रही हूँ, साथ वाला यूजर अपना डेवलप कर रहा है, तो वहां पे हम दोनों को एक आइसोलेट एनवायरनमेंट मिल रहा है, और हम दोनों जो अपनी अपनी चीजें डेवलप कर रहे हैं अपनी आईडीज में, वो मर्ज नहीं हो रही है. ठीक है, हम दोनों को एक आइसोलेशन प्रोवाइड हो रहा है, पार्शली सिक्योर्ड होता है, थोड़ा सा ये रहता है क्योंकि ऑनलाइन स्टिल ये वर्चुअल है. ठीक है, तो रिस्क तो रहते ही है. देन वी हैव क्रिएटेड एंड लॉन्च इन मिनट्स. ये तुम कुछ मिनट्स में कर सकते हो, कंटेनर्स को तुम सेकेंड्स में डिप्लॉय कर सकते हो, इसलिए कंटेनर फास्ट होते हैं. Then we have what are the security challenges with the containers. So first of all is that inflow of vulnerable source code. So containers constitute an open source platform used by developers to regularly update and store and use image in a repository. अब ये क्या करते हैं ना कि हो सकता है कि developer की अगर developer accurate नहीं है या फिर उसने ठीक से configuration नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो vulnerabilities को vulnerabilities cause कर सकता है. ठीक है, जो कि compromise कर सकता है security को. Then we have large surface attack. So the host OS consists of many container, application, VMs and databases in the cloud on premises. अब यहाँ पे ना large surface attack पे मैं बात करी vendor की, कि vendor के पास बहुत सारे operating system है, उसके पास बहुत सारे container है, क्योंकि वो तो पूरा cloud run कर रहा है ना. Yes ma'am. So अगर कोई vendor पे ही attack कर दे तो सबके services बंद हो जाएंगे, है ना. तो सिंपल सा यही कि अ लार्ज अटैक सरफेस. सो अगर बहुत सारी वर्निबिलिटीज आ गई, डिटेक्ट हो गई, और उस पर ही कोई डीडॉस, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीडॉस अटैक ही हो गया, तो सर्विसेज डाउन हो जाएंगी. देन वी हैव लैक ऑफ विजिबिलिटी. सो अ कंटेनर इंजन रन ऑन रन्स द कंटेनर इंटरफेसेस विद द लिनक्स कर्नल एंड क्रिएट्स अनदर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कन्फ्लोजिंग द एक्शंस ऑफ कंटेनर्स एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिक कंटेनर यूजर्स. सो कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे कंटेनर जो है वो प्रॉपर अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होते हैं, और अपडेशन वगैरह में या फिर उनको स्केल करने में या फिर इमेजेस को अपडेट करने में, जो तुम्हारी पुरानी इमेज है वो मिस्टेकली अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो वो खो सकती है. अब तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारी मेमोरी में ढेर सारे नोट्स बने लिंक लिस्ट के, और एक कहीं से लिंक टूट गया, वो खो गया, तो तुम अब
हम लोग लिंक लिस्ट कैसे एक्सेस करते हैं? पिछले और आगे वाले का एड्रेस होता है, जब आगे वाले का एड्रेस नहीं होगा तो तुम ढूंढोगे कैसे उसको? ये ना फिर वो होता है, लैक ऑफ विजिबिलिटी में आता है. देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज इन सीक्रेट्स. सो कंटेनर्स रिक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज API कीज, यूजर नेम और पासवर्ड. तो ये तीन ही मेथड होते हैं इनको एक्सेस करने के, ठीक है? या तो API की है तुम्हारे पास डायरेक्ट की, उसको क्लिक करो कंटेनर पहुंच जाओ, या फिर तुम्हारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए. नाउ अटैकर्स कैन सिंपली गेन एक्सेस टू दिस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रोमाइज योर सिक्योरिटी. अगर मुझे कंटेनर का लॉगिन पासवर्ड मिल गया, AWS की मिल गई, तो मैं तो एक्सेस कर सकती हूँ फिर उसको. देन वी हैव DevOps स्पीड. सो कंटेनर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, आफ्टर एग्जीक्यूशन आर स्टॉप्ड एंड रिमूव्ड. द फिजिटिवनेस हेल्प अटैकर्स टू लॉन्च अटैक एंड हाइड हिमसेल्फ विदाउट इंस्टॉलिंग एनी मैलिशियस कोड. अब होता क्या है कि कंटेनर्स में जैसे हम उसको डायरेक्टली डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको अटैकर कैसे यूज करते हैं? मान लो मैंने क्या किया कि मैंने कोई फाइल बनाई, उसमें मैंने मालवेयर इंजेक्ट कर दिया, मैंने कंटेनर बनाया, उस कंटेनर को मैंने ऐसे फिर उसमें मैंने अपनी फाइल डिप्लॉय की, और वो डिप्लॉय करने के बाद मैंने फिर वो कंटेनर डिलीट कर दिया. लेकिन तब तक मैंने ऐसे कॉन्फिगर किया था कि वो बाकी सब में स्प्रेड हो जाए, जो क्लाउड वेंडिंग में उनमें स्प्रेड हो जाए. तो वो ना फिर ये जो मतलब कंट्रोलेबिलिटी होती है कि आप कितना फाइल को रख सकते हो, कब तक डिलीट कर सकते हो, तो इससे हमें रिस्क हो सकता है कि ओरिजिनेशन नहीं पता चलेगा मालवेयर की, मालवेयर आया कहाँ से, या फिर तुम्हें डिटेक्ट करने में दिक्कत होगी. देन वी हैव नॉइजी नेबरिंग कंटेनर. सो कंटेनर मे कंज्यूम एंड एग्जॉस्ट ऑल द अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ अदर नेबरिंग कंटेनर्स, ओके, विच कॉजेज द यू नो स्टारवेशन ऑफ रिक्वेस्ट, और यू कैन से डिनायल ऑफ सर्विस. सो अगर एक कंटेनर बहुत इतनी ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है कि क्लाउड वेंडर के बाकी कंटेनर जो है वो रिसोर्सेज नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये भी सर्विस डाउन कर देगा अदर कंटेनर्स के लिए, और फिर वो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होंगे. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आखिर नेट का ही यूज करके एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारी रिक्वेस्ट हैंडल आउट नहीं होंगी. देन वी हैव कंटेनर ब्रेकआउट टू द होस्ट. सो कंटेनर्स दैट रन्स एज रूट मे ब्रेक द कंटेनमेंट एंड गेन एक्सेस टू द होस्ट ओएस थ्रू प्रीवियस एस्केलेशन. सपोज करो अटैकर को अगर रूट का ही ID पासवर्ड मिल गया, तो वो बाकी सारे मैनेजमेंट एक्सेस लेवल को ऑफ करके उस कंटेनर को आइसोलेट कर सकता है, फिर यूज कर सकता है. अब किसी कंपनी के लिए तुम्हारा एक ही मेथड था उसको एक्सेस करने का, लॉग इन पासवर्ड. अब मैंने उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया, तो तुम अपने कंटेनर को एक्सेस कैसे करोगे? तो उसकी पूरी कंपनी का तो डेटा गया. तो ये चीज हो गया अगर मुझे होस्ट एक्सेस मिल गया तो. नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क्स बेस्ड अटैक्स. सो अटैकर्स मे एक्सप्लॉइट फेल्ड कंटेनर्स हैविंग एक्टिव रॉ सॉकेट्स एंड आउटबाउंड नेटवर्क कनेक्शन टू लॉन्च वेरियस नेटवर्क बेस्ड अटैक्स. अब सपोज करो कि किसी डेवलपर ने जो कंटेनर है वो अभी मतलब यूज नहीं हो रहा, लेकिन उसने ऐसे उसको ओपन छोड़ रखा है, ठीक है? कभी कभी जो होता है कि क्लाउड्स और कंटेनर जो है वो पब्लिक प्राइवेसी पे छोड़ रखे होते हैं डेवलपर्स ने, ठीक है? तो हमें कुछ टूल्स होते हैं जिनसे हमें पब्लिक क्लाउड्स वगैरह मिल जाते हैं, हम लोग देखेंगे उसको. सो अटैकर फिर उन्हें यूज कर सकते हैं अगर वो देखते हैं कि ठीक है ये स्टिल कनेक्टेड तो है, डिप्लॉयड तो है, लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा है, तो फिर हम यूज कर लेते हैं उसको बाकी नेटवर्क बेस्ड अटैक करने के लिए. अगेन वी हैव बाईपासिंग द आइसोलेशन. सो जैसे मैंने बताया कि हर एक यूजर के पास अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, तो नेटवर्क बेस्ड अटैक करके हम वो आइसोलेशन को जो ब्रेक कर सकते हैं सबके. अब सपोज करो कि मैं एक यूजर हूँ, तुम एक यूजर हो, हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब आइसोलेशन था हमारे पास, अपने अपने रूम में काम कर रहे थे. अब ये सोचो कि रूम की जो है अगर हम वो दीवार ही हटा दे, तो हम लोग के पास आइसोलेशन नहीं रहेगा, हमारे सारे काम जो है वो मर्जअप हो जाएंगे, मेस्डअप हो जाएंगे, तो वो चीज आ जाएगी. देन वी हैव इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी. सो कंटेनर्स आर बिल्ड डिप्लॉयड एंड मैनेज्ड यूजिंग मल्टीपल वेंडर्स एंड सोर्सेस. This make it complex to secure and update an individual component because they originate from different repositories. अब ये है कि वेंडर की तरफ से ये जो चीज है, ये वेंडर का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है? इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? उसके पास तो बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, ठीक है? उसको सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हर एक रिपोजिटरी के अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होंगे, उनको बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितना वो एक्यूरेसी रखते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में. सो वो इकोसिस्टम जो होता है उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. सो अब हम लोग एक टूल देख लेते हैं जो कि पैरट पे है, जिसे बोलते हैं लेजी S3. तो लेजी S3 क्या करता है, ये तुम्हारे जितने पब्लिकली अवेलेबल कंटेनर्स है ना,
या फिर तुम्हारे बकेट्स जो हैं उनको ये रिट्रीव करके देता है। सभी देख लेते हैं, बाकी फिर हम लोग कल लैब देखेंगे इसका थोड़ा सा बचा हुआ कि उन्हें फिर अगर हमें वो फाइल्स मिल जाती तो हम उन्हें एन्यूमरेट कैसे करें, एक्सेस कैसे करें, क्योंकि उसके लिए मुझे लैब सेटअप करनी पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, कोई ओके मैम क्लाउड सर्विस देखना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट लेजी S3 ना पी इंस्टॉल नहीं आता है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस पे गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी है, तुम वहां से इसको क्लोन कर सकते हो। तो जब तुम पहले क्लोन करोगे तो तुम्हें इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो परमिशन चेंज करने का जो हमारा कमांड होता है chmod plus x जो होता है वो यूजर को यू नो डिटोनेट करता है। सो अभी मेरा कुछ मुझे लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा नेटवर्क डिस्कनेक्ट या फिर सर्च करके देखते हैं। तो तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे लेजी S3, नहीं मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्टेड है, मैं तुम्हें क्रोम पे दिखा देती हूँ। ओके मैम जो नेहम सेक वाली लेजी S3 ये वर्क कर रहा है, ये जो रिपोजिटरी है, तो तुम इस पे से क्लोन कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर गेट क्लोन का ये जो कमांड होता है टर्मिनल में, तुम इसे लेके हाँ फर्स्ट वाला ये नेहम सेक करके जो है ये वाला, ये तुम क्लोन कर सके। क्लोन करने के बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें जब डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारे डेस्कटॉप पे आएगा। ठीक है, तो तुम्हें लेजी S3 में नेविगेट करना होगा, फिर यहाँ पे ना तुम्हें परमिशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो जैसे मतलब अभी तो ये फाइल्स आ रही हैं क्योंकि मैंने परमिशन दे रखी है एक्सेस की, तो तुम्हें परमिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें install.sh करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये डॉट ये कमांड तुम्हें रन करना पड़ेगा, तो इससे तुम्हारी परमिशन जो है वो मतलब फिर आ जाएंगी। ठीक है, और अगर ये करने पे परमिशन डिनाइड देता है तो इससे पहले तुम्हें एक और कमांड करना पड़ेगा विच इज chmod, और तुम्हें ये कमांड मिल जाएंगे वैसे नेट पे अगर तुम इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल्स देखोगे तो। install.sh ठीक है, तुम ये करोगे तो परमिशन चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद वो .install/ वाला कमांड रन करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो फिर मुझे अभी नीड नहीं। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो फिर ये फाइल होती है, ये रूबी में डेवलप है, ये जो स्क्रिप्ट है ये रूबी में डेवलप हुई है, तो
रूबी में डेवलप करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रूबी डेजी एस थ्री डॉट आर बी। अगर मैं खाली इसको ऐसे क्लिक करूंगी तो ये जितनी भी अवेलेबल यू नो डॉक पर हमारे कंटेनर हैं या बकेट्स हैं जिनको हम कहेंगे, ये सबको मतलब ढूंढ के देगा। स्टॉप कर देती हूँ, बहुत सारा है। सो ये तुम्हारे ना सारा डेटा, ये देखो इतनी सारी बकेट्स है जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तुम इन सबको एक एक खोल के देखोगे ना तो कोई ना कोई फाइल मिल जाएगी तुम्हें। कभी कभी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी डेवलपर का रिकॉन्फ़िगरेशन हो मतलब डीकॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, अल्फा डेवलपमेंट प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास मिल रहा है तो ये मिलता है। अब अगर तुम्हें टारगेट है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी तुम्हारी टारगेट है, उसके लिए तुम सेम कमांड और आगे कंपनी का नाम से डाल दोगे माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैंने सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट का मुझे चाहिए, ठीक है, अब ये मुझे ना माइक्रोसॉफ्ट की जितनी पब्लिकली अवेलेबल कंटेनर है उनका लिंक मिल जाएगा। ये उनका यूआरएल्स मतलब फाइल्स है। ओके मैम, सो ये मेथड है फाइल देखने के। अब जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल वेस में क्या होता है, हम लोग पीएचपी वगैरह की डायरेक्टरी ढूंढते हैं ना कि किसी की डायरेक्टरी मिल जाए, है ना, तो वही चीज इसमें समझ लो कि डायरेक्टरीज तो होती नहीं इसमें, हमारे कंटेनर तो रिपोजिटरी होती है, वो चीज ये है हमारी। सो नेक्स्ट वाले में मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि फिर इनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके लिए मुझे लैब सेटअप करनी पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए एक ये टूल है जिसे तुम डिस्कवर कर सकती हो जितनी पब्लिक के लिए अवेलेबल। और अगर कोई भी फर्दर तुम्हें जैसे कोई और कंपनी का देखना है, सपोज मुझे देखना है अमेजोन का देखना है, तो देखो ये अमेजोन के सारे क्लाउड पैकेट्स जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल। ओके मैम, ये Amazon के जो बकेट होते हैं ना वो S3 करके यूज होते हैं, वो Amazon S3 करके उनका नाम होता है। ओके मैम, ये सारे रिजल्ट और फिर ये जहाँ इस इन डायरेक्टरीज में सेव हो जाते हैं, ये Ruby एंड फिर .NET में इन सारी डायरेक्टरीज में सेव भी हो जाता है अगर तुम्हें एक्सेस करना होगा फर्दर। ओके, सो यूजर की लाइब्रेरी में तुम्हारे सारे सेव हो जाएंगे, आप एक्सेस करके देख सकते हो। सो दैट्स फॉर टुडे and anything else